हेलो एवरीवन, मेरा नाम विपिन खेंगरा है और ये कंटिन्यूशन वीडियो है। इससे पहले वाले वीडियो सीरीज में मैंने एक्सप्लेन किया था कि इस तरह से हम लोग टीडीएस मैक्स एंड वीरे में हम लोग फ्रंट एलिवेशन डेब्यू कैसे बनाएंगे। अगर जिन लोगों ने ये फ्रंट फर्स्ट पार्ट वीडियो को नहीं देखा है डेब्यू का, तो मैं रिकमेंड करूँगा पहले आप वो देख लें, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे किस तरह से हम लोग सेम प्रोजेक्ट में नाइट व्यू कैसे बनाएंगे। तो बेसिक जो स्टेप्स रहेगा वो सेम रहेगा, डेब्यू जैसे हमने बताया था वैसे ही हम लोग नाइट व्यू भी बनाने वाले हैं। एक दो स्टेप्स कुछ एडिशनल है तो वो इस वीडियो पे मैं कवर करूँगा, बट मैं रिकमेंड करूँगा कि आप डेब्यू भी एक बार पहले जाके देख लें। ये मेरे यूट्यूब चैनल में है, इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा और ऊपर आई बटन में भी दे दूँगा, तो यहाँ से आप जाके ये वीडियो को देख सकते हैं। इसका कुछ भी छोटा सा मैं हाईलाइट्स दिखा देता हूँ, ये आप देखोगे काफ़ी अच्छा वीडियो है डेब्यू के लिए मैंने बनाया था। ठीक है, ये पूरा एक्सप्लेन किया है डेब्यू में किस तरह से होनी चाहिए लाइटिंग एंड ऑल। ओके, तो आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे कि नाइट व्यू कैसे बनाएंगे। तो चलो हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं आज का। ओके, तो इस प्रोजेक्ट मैंने सेम ही रखा है, जो डेब्यू का प्रोजेक्ट था सेम प्रोजेक्ट है नाइट व्यू के लिए भी, और इसमें हम लोग नाइट व्यू बनाने वाले हैं। तो अभी का करेंट जो सिनेरियो हो वो मैं आपको बता देता है, पता टेस्ट अंडर ले लेते हैं, दिखाऊंगा कि लाइट बिल्कुल भी नहीं है, कंप्लीट जीरो है, डार्क है। उसके बाद हम लोग लाइट सेटअप और रेंडर सेटअप करेंगे इस पर। ठीक है, ओके, सो टेस्ट अंडर लेते हैं हम लोग यहाँ पर। देखो कंप्लीट डार्क है, कोई भी लाइट नहीं है, एक दो छोटे छोटे लाइट्स होंगे यहाँ पर, वो आपका सेल्फ इल्यूमिनेशन लाइट मैंने यहाँ पर दिया हुआ है, जिसमें लाइक गार्डन लैम्प जो बोलते हैं वो यहाँ पर मैंने क्रिएट किया हुआ, जिसमें सेल्फ इल्यूमिनेशन लाइट दिया हुआ है। और एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर यहाँ पर मैं ऐड करना चाहता हूँ, यहाँ पर मैं आप देखोगे तो इंटीरियर में, तो मेरा कॉन्सेप्ट ये था कि ऐसा लगना चाहिए कि घर के अंदर में कुछ लाइट जल रहा है, अंदर का फर्नीचर कुछ हमें दिख रहा है, तो उसके लिए मैंने अंदर में यहाँ पर कुछ इमेज बेस्ड लाइटिंग किया। वो क्या है वो मैं एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है, ये थोड़ा लो रेज है तो यहाँ पर क्लियरली विजिबल नहीं हो रहा है, बट हाई रेज में भी बता दूंगा कि ये क्या है, कैसे हमने ये बनाया है। घर के अंदर लगना चाहिए कुछ फर्नीचर, कुछ लाइट्स है घर के अंदर। ओके, यहाँ पर आप देखोगे मैंने सिर्फ तीन प्लेन लेके रखा हुआ है, और इस प्लेन में जो घर के अंदर मैंने प्लेस किया वहाँ पर मैंने वीरे लाइट मटेरियल यहाँ पर लगाया हुआ है, जिसमें मैंने इमेज रखा है। अगर आप ये इमेज में दिखाऊँ तो ये इमेज मैंने ऑनलाइन डाउनलोड किया हुआ नेट से, जैसे ये इमेज पर है कि अंदर में लाइट जल रही है, कुछ फर्नीचर वहाँ पर दिख रहा है, ऐसा लगना चाहिए कि घर के अंदर कुछ फर्नीचर है, वो यहाँ पर मैंने दिया हुआ है, तो कुछ ऐसा दिखेगा। ठीक है, सेल्फ इल्यूमिनेशन मैंने यहाँ पर दिया हुआ है, ये कुछ ऐसे यहाँ पर लेंस की चाबी हटा देता हूँ मैं, ऐसा आपको कुछ नजर आएगा। ठीक है, इसका इंटेंसिटी वगैरह भी मैं कम कर दिखा देता हूँ आपको, दस दिया है मैंने, जस्ट एक इमेज मैंने यहाँ पर दे दिया है। ठीक है, चलिए हम लोग कंटिन्यू करेंगे और पहले लाइटिंग स्टार्ट करेंगे। लाइटिंग करने से पहले मैं लेयर्स में आ जाता हूँ। पहले यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे ना, एक लेयर बनाएंगे जिसके ऊपर सारे लाइट्स आएंगे, ताकि हम कभी लाइट सेलेक्ट करना रहेगा या आइसोलेट करना रहेगा तो आसानी हो, इसलिए हम लोग पहले एक ब्लैंक लेयर बना लेते हैं यहाँ पर, और इसका एक नाम दे देते हैं, बोल देते हैं न्यू लाइट्स वन कर, क्योंकि ऑलरेडी एक लेयर है न्यू लाइट्स में, आप न्यू लाइट्स वन कर देते हैं। एंड यहाँ पर मैं जो भी लाइट क्रिएट करने वाला हूँ अपने सीन में, वो सारा कुछ इसी लेयर पर सेव होना चाहिए, ताकि आगे फ्यूचर में मुझे आइसोलेशन और सिलेक्शन करने में आसानी हो। ओके, तो मेरा लेयर हाईलाइटेड है, अब मैं आ जाऊँगा कमांड में। तो जैसे मैंने बोला कि लाइटिंग करने का टेक्निक जो तरीका है मेरा काम करने का, वो सेम है जैसे मैं डे व्यू बनाता हूँ वैसे ही मैं नाइट व्यू भी बनाता हूँ। तो यहाँ पर
हम लोग पहले डोम लाइट लेंगे और HDRI लाइटिंग करेंगे पूरे इन्वायरमेंट के लिए पहले। लाइट में आएंगे, यहाँ पर वीडी में आएंगे, वीडियो लाइट ले लेंगे। यहाँ से हम लोग ले लेंगे आपका डोम लाइट, और डोम लाइट आप क्रिएट कर सकते हो कहीं पर भी। लाइट क्रिएट कर दिया है, यहाँ पर एक नाम दे देते हैं ताकि पता चले क्या लाइट है वो। डोम लाइट मैंने यहाँ पर नाम दे दिया, प्रॉपर्टी में आएंगे डोम मल्टीप्लायर। अभी के लिए मैं 3 देता हूँ क्योंकि एक्सटीरियर है तो बाहर का बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन होने वाला है लाइट का, तो मैं अभी मल्टीप्लायर 3 दे रहा हूँ। और बाकी के सेटिंग सेम रहेंगे, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं रहेगा, जो डिफॉल्ट सेटिंग है वो सारे कुछ रहेंगे। अब यहाँ पर मैं इस पर HDRI मैप अटैच करने वाला हूँ, ठीक है, इन्वायरमेंट लाइटिंग के लिए। यहाँ पर हम लोग लेंगे वीरे बिटमैप लेंगे, एंड यहाँ पर मेरे पास फोल्डर में डे व्यू एंड नाइट व्यू दोनों के लिए HDRI है, तो मैं यहाँ पर नाइट व्यू एक ले लेता हूँ और नाइट व्यू चेक कर लेता हूँ। डे व्यू नाइट भी है, और ये कौन सा है, ठीक है, इवनिंग का ये वाला ले लेते हैं, नाइट भी नाइट भी लाइट, ठीक है, ये वाला लाइट हम ले लेते हैं HDRI, ठीक है। डबल क्लिक करेंगे सो दैट प्रॉपर्टी में आ सके, एंड यहाँ पर मैपिंग टाइप में हम लोग इसको कर देंगे स्फेरिकल, ठीक है, बस इतना ही करना है ना। हमारा HDRI रेडी हो गया, इसको असाइन करेंगे हम लोग डोम लाइट में। मटेरियल हमारा यहाँ पर प्रॉपर्टी में असाइन कर देंगे। एक और जगह इसका हम इस्तेमाल करेंगे, हमारे बैकग्राउंड एनवायरनमेंट है वहाँ पर, उसके लिए हमें आना होगा रेंडरिंग में, एनवायरनमेंट में, एंड यहाँ पर हम इसे असाइन करेंगे। आप देख सकते हो यहाँ पर बैकग्राउंड में ये असाइन हो चुका है। एक टेस्ट में अगर देखते हैं कैसा रिजल्ट आ रहा है, उसके बाद बाकी की लाइटिंग हम करेंगे। काम करते हैं ना, इसको ऑल रिव्यू करते हैं, और लेफ्ट साइड वाला मेरा पर्सपेक्टिव है एंड राइट साइड वाला मेरा कैमरा है, ठीक है। हम लोग लेफ्ट साइड पर्सपेक्टिव में लाइटिंग ऐड करेंगे, एडजस्टमेंट्स करेंगे, राइट साइड में हम लोग उसको रेंडर भी करेंगे। राइट साइड जो मेरा कैमरा मोड है, इसको मैं मिडिल माउस क्लिक करके एक्टिवेट कर लेता हूँ, और सेटिंग्स में आऊँगा यहाँ पर मैं इसको लॉक कर लेता हूँ। मेरे कैमरा 01 है, यहाँ से लॉक कर लूँगा मैं यहाँ पर, एंड देन एक टेस्ट अंदर हम लेंगे। अब देखो एक जो बेस लाइटिंग होना चाहिए नाइट का, वो मुझे यहाँ पर एक HDRI लाइट से ही मिलना शुरू हो गया है। ये काफ़ी अच्छा लाइटिंग आ रही है। यहाँ पर और लाइट ऐड करने से पहले मैं आपको वीडियो कैमरा का एडवांटेज भी बता देता हूँ। क्या होता है ना कि अगर आप नाइट व्यू बना रहे हो या ऐसा इंटीरियर बना रहे हो जहाँ पर लाइटिंग लाइट का सोर्स बहुत कम है, तो वीडियो कैमरा से भी आप लाइट और क्रिएट कर सकते हो। अगर मैं यहाँ पर वीडियो कैमरा को सिलेक्ट करता हूँ ना, आप इसकी प्रॉपर्टी में यहाँ पर आओगे तो यहाँ पर बाकी सब चीज़ें तो ठीक है, बट सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है यहाँ पर एपेचर, जहाँ से आप लाइट के एक्सपोजर वैल्यू कंट्रोल कर पाओगे। तो यहाँ पर मैंने ऑलरेडी एडजस्ट किया हुआ 300, 600 है, बाय डिफ़ॉल्ट इतना नहीं होता है, मैं इसको कम कर देता हूँ, या बाय डिफ़ॉल्ट जो होता है मैं उतना ही कर देता हूँ, इतना कुछ होता है डिफ़ॉल्ट वैल्यू, अगर देखोगे तो ये रहेगा, छोटा सा मैं एक एरिया ले लेता हूँ, ठीक है। तो ये डिफॉल्ट कैमरा जब आप इस्तेमाल करोगे तो ऐसा कुछ आपको व्यू मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करना है, लाइट पहले एक या दो लाइट आपको ऐड करनी है, जैसे मैंने यहाँ पर डोम लाइट ऐड कर दिया। अब जाके कैमरा का एक्सपोजर थोड़ा सा सेट करनी होगी आपको, तो यहाँ पर जैसे ISO है तो 100 रहता है बाय डिफॉल्ट, तो ISO सिर्फ प्रॉपर पॉजिटिव वे में काम करता है। कहने का मतलब है कि अगर 100 है उसका जो वैल्यू है, अगर 100 से आप बढ़ाओगे, जैसे 100 से मैं अगर 150 कर दूँ तो वैल्यू बढ़ेगा, और अगर यहाँ से मैं 200 कर दूँ तो और भी लाइट उसमें ऐड होते जाएगा, ठीक है। तो जैसे जैसे बढ़ाओगे लाइट, जैसे अगर मैं इसको
वजन कर देता हूँ, तो लाइट और बढ़ते हुए जाएगा, ठीक है। बाकी एफ नंबर और थर्टी स्पीड का वैल्यू उल्टा काम करता है, मतलब जैसे जैसे वैल्यू कम करोगे वैसे वैसे लाइट बढ़ेगा, ठीक है। एंड इसको कैमरा कंटिन्यू करेंगे। सो यहाँ मैं एक्सप्लेन कर रहा था कि जिस तरह से आप कैमरा का वैल्यू एडजस्ट करोगे वैसे आपको सीन में और भी लाइट ऐड होगा। एफ नंबर ऑलरेडी कम रहता है तो इसको और ज़्यादा कम नहीं करेंगे, उसको 6 वैल्यू हम लोग देंगे। और शटर स्पीड जितना कम करोगे उतना ज़्यादा आपको यहाँ पर लाइट मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसको सिर्फ 100 ही करूँगा और यहाँ पर अराउंड 200 तक रहूँगा। तो ये कुछ मैं सेटिंग्स हैं, तीनों को एक बैलेंस में लेके चलता हूँ। एंड जैसे जैसे अगर मुझे और लाइट की रिक्वायरमेंट रहेगा तो यहाँ से मैं उसको एडजस्ट करूँगा, जैसे यहाँ से और लाइट मुझे ज़रूरत है तो यहाँ पर 250 वगैरह थोड़ा सा बढ़ाऊँगा मैं, ठीक है। या फिर इसको आप 60 वगैरह करोगे तो लाइट और भी ज़्यादा आप देखोगे तो थोड़ा सा ज़्यादा लाइट कंट्रीब्यूट होगा आपको, ठीक है। बट यहाँ पर और भी लाइट आने वाले हैं, सिर्फ अभी मैंने एक डोम लाइट दिया हुआ है तो मैं बहुत ज़्यादा ब्राइट नहीं करना चाहता हूँ सीन को, नाइट व्यू है, इसको हंड्रेड ही रहने देता हूँ। और तो एक कंप्लीट रेंडर ले लेता हूँ, अभी तक का जो सीन मुझे मिला है तो वो देख लेता हूँ मैं। ठीक है, तो यहाँ पर फिर से रिपीट कर देता हूँ, सिर्फ मैंने एक डोम लाइट इस्तेमाल किया है और कैमरा का एक्सपोजर जो एपर्चर वैल्यू है उसको मैंने एडजस्ट करके ये एक ठीक ठाक सा रेंडर यहाँ पर मैंने निकाला है। ये आपका पहला पार्ट है, पहला फेज है, ऐसा लाइटिंग आपको चाहिए पहला फेज में। ओवरऑल थोड़ा बहुत लाइट होनी चाहिए, हल्की दिखनी चाहिए। अब और लाइट हम लोग ऐड करने वाले हैं सीन में, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, जो बालकनी में है सपोज, जैसे मैंने कॉन्सेप्ट क्या है, रूम के अंदर लाइट जल रही है और अंदर का फर्नीचर कुछ दिख रहा है। अब रूम के अंदर लाइट है तो रूम के बाहर भी थोड़ा लाइट आना चाहिए ना, बालकनी में थोड़ी लाइट दिखनी चाहिए। तो हम लोग बालकनी से स्टार्ट करेंगे, वापस आते हैं, लाइट्स कुछ नया और ले लेंगे, हम वीडियो लाइट ले लेंगे यहाँ से और डोम की जगह प्लेन लाइट ले लेंगे ना। जैसे मैं विंडो कैसा रेक्टेंगुलर विंडो है तो यहाँ पर वेट रेक्टेंगल प्लेन लाइट हम लेंगे यहाँ पर, और यहाँ से ऑटो ग्रिड ऑन कर लेंगे। ऑटो ग्रिड ऑन करने से क्या होगा, डायरेक्टली हम इसके ऊपर में लाइट क्रिएट कर पाएंगे। डायरेक्ट सरफेस के ऊपर मैंने लाइट क्रिएट किया, जितना मेरा यहाँ बालकनी का विंडो है उतना मैंने यहाँ पर लाइट ले लिया है। बट लाइट का डायरेक्शन ना अंदर की तरफ है तो मैं इसको उसको रिवर्स करना होगा, मैं इसको मिरर कर लेता हूँ यहाँ से, ठीक है, बाहर की तरफ में हो गया है। ओके, अब एक लाइट क्रिएट करके ना इसको मैं टेस्ट करके देखूंगा कि इंटेंसिटी वगैरह कितना है, उसके बाद इसको कॉपी करूँगा नीचे के बालकनी और मेरा ये बरांडा एरिया में भी, ठीक है। तो वैल्यू अभी के लिए मैं इसको 10 दे रहा हूँ क्योंकि मैं एडवांस कैमरा यूज़ कर रहा हूँ तो एक दो मल्टीप्लायर में प्रॉपरली काम नहीं करेगा, ज़्यादा वैल्यू देना पड़ेगा, तो मैंने अभी 10 देख रखा है। एंड नाइट व्यू है तो थोड़ा सा मैं वार्म कलर यहाँ पर देता हूँ, ठीक है। और इसमें क्या कर सकते हैं, इसको इनविजिबल करेंगे और स्पेक्युलर रिफ्लेक्शन को मैं ऑफ कर रहा हूँ ताकि अगर कोई मेटल है तो उस पर इसका रिफ्लेक्शन ना आए, अदरवाइज लाइट का रेक्टेंगल राइट का रिफ्लेक्शन मेटल के ऊपर आएगा, इसलिए हम लोग स्पेक्युलर और रिफ्लेक्शन को ऑफ करेंगे। बाकी चीज़ों को डिफॉल्ट रहने आप दे सकते हो, ठीक है। चलो हम लोग क्विकली इसको टेस्ट रेंडर करके देखते हैं कैसा हमें रिजल्ट मिल रहा है। ऑरेंजेस आ रहा है मुझे इसको, तो येलोइस तो वॉर्म टोन कैसा होता है, येलो तो ऐसा होता है ना, येलो टोन होता है। बाकी कलर करेक्शन हम आगे करेंगे, हल्का अभी मैं फिलहाल के लिए इतना रखता हूँ, ठीक। तो ऐसा लगेगा जैसे रूम के अंदर अगर लाइट है तो लाइट थोड़ी बाहर बालकनी में भी आ रही है ना। रूम के अंदर के लिए तो मैंने इमेज बेस्ड लाइट लगा दिया, वो लग रहा है कि रूम के अंदर कुछ फर्नीचर है लाइटिंग है, और बाहर में लाइट थोड़ी सी आ रही है। बस इसी तो चीज़ को कॉपी करना है नीचे के एरिया में भी, तो इसको बस शिफ्ट के साथ आप कॉपी करते चले जाओ। इसको इंस्टेंस करता हूँ मैं ताकि एक में अगर मैं कुछ चेंजेस करूँ तो दूसरे में भी वो हो जाए। एंड एक और कॉपी करूँगा नीचे जो मेरा एंट्रेंस है, बरांडा है, वहाँ
बट इसको इंस्टेंस नहीं करेंगे क्योंकि नीचे का ना एरिया थोड़ा ज़्यादा है। तो मुझे लाइट को कॉपी करता हूँ, पहले लाइट को थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा। मैं इसको थोड़ा सेंटर में लाता हूँ और इसका लेंथ थोड़ा सा बढ़ाता हूँ ना, नीचे एरिया ज़्यादा है मेरा। ओके तो एक बार क्विक टेस्ट अंडर। ठीक है, तो जैसा मेरा कॉन्सेप्ट है कि घर के अंदर लाइट जल रही है तो थोड़ी लाइट बाहर आनी चाहिए। आप देख सकते हो नीचे बरांडा में भी लाइट आ रहा है, बालकनी में भी लाइट आ रहा है। ठीक है, चलो इतना सब तो हो गया है, देखते हैं। और यहाँ पर मैंने देखोगे तो बालकनी में ऊपर में कुछ लाइट के सोर्स लगा कर रखे हैं, तो यहाँ पर भी हम लोग कुछ आईएस लाइट वगैरह ऐड करेंगे। ठीक है, और यहाँ पर साइड में डिज़ाइन जो है वहाँ पर भी कुछ आईएस लाइट भी ऐड करते हैं। ऑलराइट, ठीक है, यहाँ पर हम लोग कुछ लाइट दे सकेंगे। सो क्या करते हैं, हम लोग प्लस में आएंगे और लाइट्स में चले जाएंगे। यहाँ पर है आईएस लाइट, आईएस लाइट पर क्लिक करेंगे और ऑटो ग्रिड को ऑन रखेंगे, शायद सॉलिड की डायरेक्टली हम लोग सरफेस के ऊपर बना सकें ना। सो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, वर्टिकल जो वॉल है उसके ऊपर मैं आईएस क्रिएट करता हूँ। पहले तो इस लेफ्ट क्लिक ऑन ड्रैग कर लें, आप यहाँ पर डब्ल्यू प्रेस करें एंड आईएस लाइट थोड़ा वॉल के अंदर जा रहा होगा तो उसको थोड़ा खींच के बाहर निकालेंगे। और प्रॉपर्टी में आएंगे, इसका नेम काफ़ी यूनिक होता है तो मैं रहने दूंगा। एंड नीचे आईएस फाइल मुझे यहाँ पर अटैच करना पड़ेगा, तो यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ मेरी प्रोजेक्ट में, यहाँ पर वो है आईएस एक ले लेता हूँ, यहाँ पर इसको ओपन कर लेता हूँ यहाँ पर। ठीक है, लेट्स सी, नीचे आता हूँ मैं, कलर थोड़ा सा वॉर्म टोन यहाँ पर ले लेता हूँ, रात का टाइम में वॉर्म टोन अच्छा रहता है। सो कॉपी कर लेता हूँ, फिर आगे भी सेम कलर में यूज कर सकूँ। पावर एक वैल्यू जो मुझे सही लगता है 1, 2, 3, 4 वो मैं इसमें यूज करता हूँ। ओके लेट्स सी कैसा आ रहा है, छोटा सा एरिया में यहाँ पर ले लेता हूँ ताकि जल्दी रेंडर हो सके। जिस उसका आईएस का इफेक्ट देखने के लिए मैंने थोड़ा साइड में रखा, आप चाहो तो इसके ऊपर भी रख सकते हो या यहाँ भी रख सकते हो जैसा आप ठीक लगे। यहाँ पर सी से मैंने उतना ज़्यादा इफेक्ट दिख रही कि सॉलिड बैकग्राउंड होना चाहिए तब आईएस का इफेक्ट प्रॉपरली दिखता है। दोनों को पकड़ के मैं अभी के लिए करता हूँ ग्रुप। ठीक है, कॉपी कर लेता हूँ, जहाँ जहाँ मुझे ज़रूरत है डिस्टेंस रहेगा ये इसका, इसको करके नीचे वाले के लिए भी, नीचे भी बालकनी में भी चाहे आए तो वहाँ पर भी करके ऐड कर देता हूँ मैं। नीचे भी है, कौन से है, एरिया मैंने बनाया है यहाँ पर। लेट्स सी, जब भी आप लाइट ऐड करते हो ना हमेशा टेस्ट रेंडर करते रहो ताकि आपको पता चले कि लाइट ज़्यादा हो गया या कम हो गया, जब एडजस्ट करनी है तो आप आराम से कर सको। एक बार बहुत सारे लाइट्स ऐड कर दोगे ना फिर उसे कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता है, इसलिए थोड़ा थोड़ा लाइट ऐड करो, बीच बीच में टेस्ट रेंडर करते रहो एंड लाइट का वैल्यू थोड़ा कम रखो क्योंकि लाइट धीरे धीरे ऐड होते 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 बहुत ज़्यादा हो जाता है। लास्ट में देखेंगे अगर ज़्यादा कम करना रहेगा तो फिर करेंगे, बट अभी के लिए इतनी रखूंगा।
ओके एक यहाँ पर डिजाइन है, वहां पर क्रिएट करता हूँ। चेक करें तो हमें इसको थोड़ा सा लाइट क्रिएट करता हूँ, मैं क्विक टेस्ट रेंडर लेता हूँ कि उसका इफेक्ट कैसा आ रहा है। फिर थोड़ा सा लाइट क्रिएट करता हूँ एंड देन अगेन क्विक टेस्ट रेंडर। जैसे मैं बोला इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा नहीं करता हूँ मैं, थोड़ा थोड़ा करके ठीक है। छत के लिए भी यहाँ पर भी मैं चाहता हूँ कि कुछ कोई लाइट यहाँ पर मिल जाए, तो चलो पहले तो प्लेन लाइट लेंगे ताकि यहाँ पर लगे कि घर के अंदर से थोड़ी लाइट बाहर आ रही है। तो प्लेन लाइट पहले लेके चलता हूँ मैं, कॉपी करेंगे क्योंकि यहाँ पर इसका साइज बहुत छोटा है, मैं यहाँ पर लाइट लगा रहा हूँ। नाइट व्यू बनाते हो तो मेहनत ज़्यादा रहता है, दिन डे व्यू में इतना मेहनत नहीं है, बट नाइट व्यू में थोड़ा मेहनत तो ज़्यादा है। इसलिए मैं रिकमेंड करता हूँ कि जब भी आप नाइट व्यू का फीस चार्ज करते हो अपने क्लाइंट को, तो थोड़ा ज़्यादा डेफिनेटली चार्ज करना, इसमें ज़्यादा मेहनत लगता है। डे व्यू आराम से बन जाएगा, बट नाइट व्यू में बहुत सारी लाइट्स की ज़रूरत पड़ती है, नहीं तो वो सही नहीं लगेगा। ओके लाइटिंग हो गई यहाँ पर, लेट्स सी। यहाँ पर ट्रीज एंड प्लांट्स भी हैं जो मैंने अभी हाइड करके रखा हुआ है, अदरवाइज जो मैं टेस्ट रेंडर ले रहा हूँ वो बहुत टाइम लगेगा टेस्ट रेंडर आने के लिए। तो मैं क्विकली एक बार थोड़ा लाइट्स एक लाइट सेटअप कर लेता हूँ एंड देन जो भी ट्रीज एंड प्लांट्स है वो मैं लेके आऊँगा। तो एक्चुअली मेरा लाइट कैमरा एंगल थोड़ा नीचे की तरफ है, इसलिए छत उतना प्रॉपर नहीं दिख रहा है, बट दैट्स कम्प्लीटली फाइन, चलेगा इतना ठीक है। तो ये तो हो गया हमारे एलिवेशन का लाइटिंग वगैरह। अब आसपास का जो रो हाउसेस मैंने यहाँ पर बनाए हैं वो भी काफ़ी डार्क लग रहा है, तो उसके लिए भी हमें कुछ करना पड़ेगा। एंड रोड पर मैंने यहाँ पर लैम्प पोस्ट भी बनाया है, तो उसके लिए भी हम लोग लाइट्स यहाँ पर ऐड करेंगे ठीक है। तो पहले आसपास का जो रो हाउसेस है नेबर्स का, वहाँ पर थोड़ा लाइटिंग कर देते हैं। तो जो प्लेन लाइट हमने बनाया है इसी को हम लोग यहाँ पर ले सकते हैं एंड इसको कॉपी करेंगे, क्योंकि साइज़ वगैरह देखोगे तो डेफिनेटली हमें एडजस्ट करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है हमारे यहाँ पर एरिया साइज़ के हिसाब से लाइट को हमें एडजस्ट करना ही होगा, तो जितना जगह अवेलेबल है उसके हिसाब से लाइट को थोड़ा सा एडजस्ट करके हम पोजिशन कर देते हैं ठीक है। ऐसा लगना चाहिए कि यहाँ से लाइट आ रहा है। कॉपी इसको इंस्टेंस कर सकते हैं यहाँ पर, अंदर ए यहाँ से यू लाइट आएगा, यहाँ से लाइट आएगा। ओके लेट्स सी कैसे हो रहा है देखते हैं। आप यहाँ पर स्फीयर लाइट भी दे सकते हो, काफी लोग स्फीयर लाइट भी यूज करते हैं, अपना अपना चॉइस है। आप चाहो तो स्फीयर लाइट दे दो,
मैं प्लेन लाइट में ज़्यादा कंफर्टेबल हूँ। एंड आई थिंक सर मैंने इस जब प्रोजेक्ट बनाया था मैंने स्फीयर लाइट भी दिया था, तो आप दोनों भी दे सकते हो लोग, अदरवाइज प्लेन लाइट बहुत अच्छा रिजल्ट यहाँ पर आ रहा है। यहाँ पर इसका ये नहीं दिख रहा है मुझे, ठीक है ये क्यों नहीं दिख रहा है मुझे, या वैल्यू बहुत कम है। साइज उसका एडजस्ट करने में कम है इस वजह से, और वैसे भी ये बाहर की तरफ है, अब ये अंदर की तरफ रहेगा ना तो उसके आसपास का जो एरिया है जो थोड़ा सा ये जो बाहर की तरफ जो एरिया निकला हुआ है यहाँ से लाइट टकराएगा तो वो ज़्यादा बेटर रिजल्ट देगा। अदरवाइज आप इसको अगर एम्प्टी स्पेस में ऐसे रख दोगे तो वो पता ही नहीं चलेगी लाइट किससे टकराएगा, तो टकराने के लिए कुछ होना चाहिए। जैसे थोड़ा सा मैंने अंदर रखा, अभी ऊपर में छज्जा वगैरह है वहाँ पर लाइट टकरा रही है, तो अच्छा आपको इल्यूमिनेशन यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। तो ये भी ठीक ठाक आ गया है। यही चीज मैं ऑपोजिट साइड भी करूँगा इस वाले साइड के लिए भी जो दो हाउस ऑफ दिखने, तो क्या करता हूँ ना इसको मैं पकड़ के ग्रुप कर लेता हूँ, तब दूसरा घर भी सेम ही है तो मैं इसको यहाँ से पकड़ के बोलता हूँ ग्रुप। अरे कॉपी कर लो भैया पूरा इंस्टेंस, ओके चलो एक बार टेस्ट अंदर लेते हैं अभी, ठीक है लाइट जल गया पड़ोसी घर में भी, ठीक है। अब कुछ प्लांट्स वगैरह मैंने जो रखे हुए हाइट करके वो सब लेकर आता हूँ, बाकी लाइट से मैं जाऊंगा स्मॉल प्लांट्स एंड ट्रीज। अब कंप्लीट सीन के साथ रेंडर करूंगा मैं, लेट्स सी। एंड प्लांट्स जब मैंने अभी ऑन किया है वो लेयर, देखो रेंडर टेस्ट रेंडर में थोड़ा समय और ऐड हो गया है और ज़्यादा टाइम लगा है वो टेस्ट रेंडर होने के लिए, क्योंकि काफ़ी डिटेल्स होता है ट्रीज एंड प्लांट में इस वजह से। इसलिए जब भी टेस्ट रेंडर हो लाइटिंग का तो पहले हाई डिटेल ऑब्जेक्ट को हाइड करके आप एक लाइट सेटअप बना लो, ठीक है। तो यहाँ एक मैंने फर्स्ट फेज कह सकता हूँ लाइटिंग का कंप्लीट कर लिया है, जहाँ पर थोड़े बहुत प्लेन लाइट और आइस लाइट मैंने ऐड किए हैं और डोम लाइट भी ऐड किया, बट ओवरऑल अगर देखा जाए तो सीन अभी भी डार्क है। तो उसके लिए हम लोग एक्सपोजर कंट्रोल करेंगे, एक मैंने किया था कैमरा से, एक एक्सपोजर कंट्रोल करेंगे हम लोग फ्रेम बफर से। तो फ्रेम बफर है इसका खुद का एक्सपोजर कंट्रोल राइट हैंड साइड आप देखोगे यहाँ पर होता है, जो अभी मैंने इनेबल नहीं किया है तो वो भी यहाँ से मैं इनेबल करूँगा। कैसे करेंगे देखो, प्लस साइन है यहाँ पर, प्लस में आप लेफ्ट क्लिक करो, यहाँ से सबसे पहले हम लोग एक्सपोजर ले लेंगे, जो भी हमने लाइट ऐड किया है ना वो लाइट को प्रॉपरली स्प्रेड भी करना पड़ता है आपके सीन में। वो ये एक्सपोजर और जितने भी पैरामीटर्स हैं एक्सपोजर कंट्रोल के यहाँ पर फ्रेम बफर की, वो आपके हेल्प करेगा। कैसे करेंगे मैं स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। तो सबसे पहले प्लस में क्लिक करके जैसा मैंने कहा एक्सपोजर आप ले लें एंड यहाँ पे इसको आप एडजस्ट करें, हाईलाइट थोड़ा सा कम कर देंगे। ऑलराइट अगेन प्लस में जाएंगे, यहाँ से हम लोग कर्व ले लेंगे, कर्व भी काफ़ी अच्छा है ओवरऑल लाइट एडजस्ट करने में काफी हेल्प करेगा। तो नीचे वाला जो हैंडल है थोड़ा सा ऊंचा, ठीक है ओके, थोड़ा जो एक्सपोजर है ना वो स्प्रेड होगा, ओके। क्या क्या हमने ले लिया, एक्सपोजर ले लिया है, कर्व ले लिया है, वाइट बैलेंस ले लेंगे, नाइट का व्यू है तो थोड़ा सा ब्लू टिंट रहेगा, जितना बढ़ाओगे उतना येलो टोन की तरफ जाएगा, कुछ लोग येलो टोन ज़्यादा पसंद है तो येलो टोन ले सकते हैं बढ़ा सकते हैं। मैं थोड़ा सा ब्लूइश टिंट यहाँ पर रखता हूँ, नाइट व्यू है इस वजह से,
ओके प्लस में जाएंगे यहाँ पर, और क्या हम ले सकते हैं एक्सपोजर ले लिया वाइट बैलेंस। ह्यू सेचुरेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो आपके टेक्सचर्स है उसको और इन्हेंस करने में हेल्प करेगा, तो सेचुरेशन थोड़ा सा बढ़ाएंगे यहाँ से और ठीक है। प्लस में जाएंगे ब्लॉक हमने ले लिया। एक और काफ़ी इंपॉर्टेंट एलिमेंट है वो है आपका एलयूटी जो कि है आपका लुकअप टेबल। लुकअप टेबल क्या करता है, ओवरऑल कलर टोनैलिटी को बैलेंस करने में हेल्प करता है ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, जब मैंने यहाँ पर लुकअप टेबल ले लिया, इसको भी आईएस लाइट की तरह हमें फाइल अटैच करना रहता है। तो नीचे में आप देखोगे जब आप इसको सिलेक्ट करोगे तो इसके प्रॉपर्टी नीचे आ जाएगी, यहाँ से आपको ब्राउज करना पड़ेगा इसका अटैच फाइल। इसको मैं यहाँ पर लेफ्ट क्लिक करूँगा और यहाँ से मेरे पास इसका अटैच फाइल्स है लाइब्रेरी में, वो यहाँ से मैं ऐड कर देता हूँ। एल यू टी फाइल्स यहाँ से पहला फाइल ले लेंगे, यहाँ से ओपन कर देंगे। तो आपको लगेगा कि जैसे फर्स्ट फाइल जो हमने लिया था वो बहुत प्रॉपरली काम नहीं कर रहा है, हमें दूसरा फाइल लेना होगा। दूसरा फाइल लेने के लिए आपको फिर से ब्राउज करने की ज़रूरत नहीं है, उसके राइट हैंड साइड में डिटेल्स आपको मिल जाएंगे। यहाँ पर आप लेफ्ट क्लिक करोगे, जितने भी लाइब्रेरी में आपके आईएस फाइल्स होंगे सारे आपको यहाँ पर मिल जाएंगे ना। आपको जस्ट माउस के इसके ऊपर में इस तरह से मूव करना है एंड वो आपको सारा कलर एडजस्टमेंट और एक्सपोजर सेटिंग्स को करके देगा। ये देखो जैसा आपको चाहिए यहाँ पर सारे पैरामीटर्स आपको यहाँ मिल जाएंगे। तो मैं जो मुझे काफ़ी अच्छा रिजल्ट देता है वो ये है फ्यूचरा हंड्रेड, तो मैं अभी के लिए ये ले लेता हूँ। आप इसमें से कोई दूसरा भी ले सकते हो जो भी आपको सही लगता है, तो ये मैं ले लेता हूँ अभी के लिए। ओके एंड ओवरऑल थोड़ा सा मुझे वाइट बैलेंस एडजस्ट करना पड़ेगा। और सैचुरेशन वगैरह थोड़ा सा एडजस्ट कर देता हूँ। तो अभी के लिए इतना रहने देता हूँ, उसको मैं एक बार सेव कर लेता हूँ ठीक है। एक क्विक कंपैरिजन, ये हमने स्टार्ट किया था और ये अभी तक का रिजल्ट है ठीक है। ये हमने स्टार्ट किया था सिर्फ एचडीआरआई लाइटिंग से एंड देन अभी और कुछ हमने लाइट ऐड किया है और हमने एक्सपोजर कंट्रोल किया, तो ये रिजल्ट हमें अभी तक मिला है ठीक है। एंड अभी भी जैसे मैंने बोला कि कुछ लैम्प पोस्ट है और सामने में कुछ प्लांट्स है जिस पर लाइट प्रॉपरली नहीं आ रहा है, तो वहाँ भी हम लोग कुछ काम करेंगे। यहाँ पर भी बालकनी में कुछ लाइट्स है, सॉरी लाइट्स बोला मैंने, प्लांट बोलना चाहिए था, कुछ प्लांट्स है जिस पर लाइट प्रॉपरली नहीं आ रहा है, तो उस पर भी हम लोग काम करेंगे। एंड आप देखोगे रूफ में भी यहाँ पर कुछ प्लांट है जो बहुत कम नज़र आ रहा है, तो हमें इसके लिए भी थोड़ी लाइटिंग करनी होगी ठीक है। जो भी प्लांट्स रहते हैं ना उस पर काफ़ी कम लाइट मिलता है, पीछे के ट्रीज़ वगैरह चल जाएंगे, लेकिन जो आपके एलिवेशन में जो प्लांट्स है जो ट्रीज आसपास में छोटे बुशेस हैं उस पर थोड़ी लाइट्स मिलनी चाहिए। एंड यहाँ पर जो हमने गार्डन लैम्प काइंड ऑफ क्रिएट किया है आप देखिए उससे बहुत कम लाइट प्लांट को मिल रहा है, तो नेक्स्ट स्टेप रहेगा कि और इसको इन्हेंस कैसे करें ठीक है। चलो इसको देखते हैं अभी। सो क्या करेंगे, अभी हम लोग ट्री एंड प्लांट के साथ साथ काम करना पड़ेगा। तो पहले तो यहाँ पर जो लैम्प पोस्ट है यहाँ, इसके लिए हम लोग लाइट क्रिएट करेंगे। इसके लिए हम लोग ना प्लेन लाइट ले लेंगे, लाइट में आ जाएंगे, ये लाइट ले लेंगे, यहाँ से प्लेन लाइट ले लेंगे और ऑटो ग्रिड ऑन है तो हम लोग डायरेक्टली सरफेस के ऊपर क्रिएट कर पाएंगे। तो यहाँ पर मैं एक छोटा सा रेक्टेंगल लाइट प्लेन लाइट क्रिएट कर लेता हूँ और थोड़ा हाइट दे देता हूँ जो मेरा लैम्प पोस्ट का हाइट है, बाद में पोजिशन पर लेकर जाएंगे। अभी यहीं पर मैं इसको क्रिएट कर लेता हूँ, प्रॉपर्टी में आएंगे, यहाँ पर मैं इसको बोल देता हूँ लैम्प पोस्ट लाइट एंड यहाँ पर इंटेंसिटी मैं इसको भी 10 दे रहा हूँ, कलर में यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ, मैंने फॉर्म को कॉपी करके रखा हुआ था। ओके अब प्लेन लाइट से ना मैं इसको स्पॉटलाइट काइंड ऑफ फीचर्स ऐड करने वाला हूँ, उसके लिए क्या करना होगा आपको जो डायरेक्शनल है यहाँ पर करना होगा, यहाँ से मैं इसको सेलेक्टेड करता हूँ और डायरेक्शन को थोड़ा ऐसे करता हूँ और साथ में टारगेट को थोड़ा नीचे लेके जाता हूँ, तो जैसे स्पॉटलाइट का फीचर होता ना वो हमें प्लेन लाइट में भी मिल जाएगा ठीक है। ये दो तीन स्टेप करोगे आप तो स्पॉटलाइट बन जाएगा आपको जो प्लेन लाइट है वो, बस इसको बस आपको लेके जाना है और आपको जो लैम्प पोस्ट है वहाँ पर इसको रख दीजिए आप ठीक है, इतना ही करना है।
एरिया कितना चाहिए वो आप यहाँ से डिसाइड कर सकते हो, कितने एरिया में आपको लाइट चाहिए, यानी कितनी नीचे तक जाएगा, कितनी दूर तक जाएगा, टारगेट आप यहाँ से देख सकते हो। ओके सो अभी के लिए मैंने 10 मल्टीप्लायर दिया हुआ है, और अभी मैं चेक कर लेता हूँ कि 10 सही है या बढ़ाना होगा। बहुत ही कम लाइट आ रहा है, तो आई थिंक इसको ज़्यादा करना ही होगा, मैं 30 कर देता हूँ। ठीक है, ओवरऑल थोड़ा मुझे लाइट एडजस्ट करना होगा, मैं यहाँ से देखता हूँ। यहाँ पर लाइट नहीं तो मुझे और ऐड करनी पड़ेगी, मैं यहाँ से इसको फिक्स करता हूँ। ठीक है, अब उसको टेस्ट कीजिए कितना लाइट की वहाँ पर ज़्यादा ज़रूरत है, कितने लाइट से वहाँ पर सही लाइटिंग आ रही है, उस हिसाब से आप यहाँ पर लाइट ऐड कीजिए। आई थिंक 80-100 तक वैल्यू आप दे सकते हो, इससे काफ़ी अच्छा लाइटिंग यहाँ पर आ जाएगी। ठीक है, क्लियर, स्टॉप करता हूँ और सेम चीज़ कॉपी करूँगा अपोजिट साइड के लिए भी, सिर्फ के साथ कॉपी कर लेंगे। यहाँ पर भी है लैम्प पोस्ट इंस्टेंस रहेगा, ओके, और साथ ही जो नीचे के छोटे बुशेस है उसको भी लाइट देंगे। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे ना, स्फीयर लाइट ले लेंगे, सबसे बेस्ट होता है इस तरह गार्डन लैम्प के आसपास लाइट क्रिएट करने के लिए। वहाँ से हम लोग ले लेंगे स्फीयर, ऑटो ग्रिड ऑन है, जैसे क्रिएट कर लेंगे यहाँ पर आसपास थोड़ा सा हम इल्यूमिनेशन के लिए बोल देंगे कि प्लांट्स के लिए लाइट है। मल्टीप्लायर 30 ठीक है, पेस्ट कर देते हैं इसको, रेडियस थोड़ा कम कर देंगे। ऑलराइट, अगेन टेस्ट एंडर, एक एक लाइट बनाता हूँ, टेस्ट एंडर लेते रहता हूँ मैं, ताकि अगर ज़्यादा या कम वैल्यू रहेगा तो मुझे एक बार में पता चल जाएगा। अरे उसका प्रॉपर्टी में कुछ में चेंजेस करना था, 30 एक तो ज़्यादा हो रहा है, 10 करूँगा मैं, और इनविजिबल और ये सब करना होगा। ठीक है, ठीक है, ऐसा लग रहा है कि जो हमने गार्डन लैम्प यहाँ पर बनाया है वो इल्यूमिनेट हो रहा है ना, आसपास के चीज़ें उससे लाइट हो रही है, उसको लाइट उस बन मिलेगा, ज़्यादा है ये भी ज़्यादा है तो मैं थोड़ा कम करता हूँ। देखो नाइट भी जब भी बनाते हो ना, सब तरफ एक जैसा लाइट कभी मत दो, जो आपका लाइट का सोर्स है वहाँ सबसे ज़्यादा लाइट होना चाहिए, एंड धीरे धीरे एक ग्रेडियंट क्रिएट होना चाहिए, जैसे जैसे ऑब्जेक्ट्स लाइट के सोर्स से दूर है वो डार्क होने चाहिए, तो ब्राइट से डार्क ग्रेडियंट ये क्रिएट होना चाहिए, वो देखने में काफ़ी अच्छा अट्रैक्टिव और रियलिस्टिक लगता है। इस वजह से मैं लाइट का बहुत ज़्यादा वैल्यू नहीं दूंगा, अगर लाइट चाहिए तो सोर्स लाइट का सोर्स और बढ़ा दूंगा मैं, और लाइट्स क्रिएट करूंगा। इस तरह से अंदर भी कुछ प्लांट्स हैं तो यहाँ पर भी मैं ऐड करूँगा, सो कॉपी करता हूँ मैं जिस ये प्लांट्स के लिए मैं ऐड कर रहा हूँ स्फीयर लाइट, ये जो अंदर में प्लांट है उसके लिए, ताकि प्लांट बहुत ज़्यादा डार्क ना लगे एंड और लाइट वहाँ पर भी आए, तो इसके लिए सिर्फ मैं यहाँ पर दे रहा हूँ और इसको कॉपी कर दूँगा साइड के लिए, डिस्टेंस कर देता हूँ, एक जैसा फीचर है दोनों प्लांट का। ठीक है, फिर टेस्ट एंडर, नीचे का एरिया को ले लेता हूँ, ये प्लांट आप देखोगे तो काफ़ी डार्क लग रहा था ना, उसके लिए मैंने यहाँ पर स्फीयर लाइट दिया है, आई होप अच्छा लाइट वहाँ पर दिख जाए, प्लांट थोड़े से अच्छे दिख जाए, और यहाँ पर भी थोड़ा सा लाइट दिया है मैंने। ठीक है, अंदर का जो लाइट है ना उसका वैल्यू थोड़ी बढ़ानी पड़ेगी ना,
बाकी सामने जो है एंट्रेंस गेट पे वो ठीक आ रहा है, ठीक है। ये ज़्यादा इल्यूमिनेशन है, धीरे धीरे ये थोड़ा डार्क है। अगेन यहाँ पर ज़्यादा इल्यूमिनेशन है, आसपास के एरिया डार्क है। ये काफ़ी अच्छा नेचुरल लग रहा है, ठीक है। गेट वगैरह ये भी ठीक लग रहा है, पर यहाँ पर आप देखोगे तो थोड़ी इंटेंसिटी बढ़ानी होगी। बाकी नीचे एल्यूमिनेशन थोड़ा सा तो आया ज़रूर है, बट इंटेंसिटी थोड़ी बढ़ा दूंगा मैं। और यहाँ पर कुछ प्लांट्स है जो थोड़े डार्क है, उसको मैं कर देता हूँ। चलो क्योंकि बस हो गया है, आई थिंक 1 मिनट में कंप्लीट हो जाएगा ये। इसका इंटेंसिटी 6 है, मैं इसको कर देता हूँ 12, ठीक है। क्विकली इसको एक बार चेक कर लेता हूँ मैं, एक काम करता हूँ बाकी को भी कर लेता हूँ, एक साथ चेक कर लेंगे। इसको पकड़ता हूँ यहाँ पर और इसको यहाँ पर लेके आऊँगा, कॉपी करता हूँ यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि ऊपर बालकनी में लाइट है तो पॉसिबल है कि वहाँ से लाइट कुछ मेरे प्लांट में भी आ रहे होंगे। तो वही कॉन्सेप्ट को लेते हुए मैं यहाँ पर दो स्फीयर लाइट क्रिएट कर देता हूँ यहाँ पर। क्या वैल्यू थोड़ा समय बढ़ा करता हूँ का पेंटिंग हो गया है यहाँ पर भी, ताकि जो बालकनी में प्लांट है वो पता चले, उसको डिटेलिंग पता चले। इसलिए मैं यहाँ पर एडिशनल स्फीयर लाइट दे रहा हूँ, और एक लाइट मैं यहाँ ऊपर भी दे दूंगा, क्योंकि यहाँ पर भी जो परगोला काइंड ऑफ मैंने यहाँ पर बनाया है वहाँ पर भी लाइट्स हैं, तो लाइट यहाँ पर डेफिनेटली आएगा प्लांट्स में। ओके बस लाइट्स को थोड़ा डिटेलिंग दिखना चाहिए, प्लांट्स को डिटेलिंग दिखना चाहिए, उसकी वजह से मैं यहाँ पर लाइट्स ऐड कर रहा हूँ। लेट्स सी, क्लीन हो जाने देता हूँ मैं, स्टॉप करूँगा, ठीक है। आप देखोगे एक बहुत अच्छा रिजल्ट हमें यहाँ पर मिला। थोड़ा आई एस लाइट्स को मैं यहाँ पर एडजस्ट करूँगा, मे बी टेस्ट रेंडर इस वजह से ये बहुत ग्रेट नहीं दिख रहा है। अगर फाइनल रेंडर लूँगा तो इसकी डिटेलिंग और अच्छे से आएगा, बट थोड़ा सा एडजस्ट करूँगा यहाँ पर। बाकी आप देखोगे नीचे फ्रंट में जो स्मॉल प्लांट्स हैं वहाँ पर लाइट्स काफ़ी अच्छा आ रहा है, ये भी ठीक है, ठीक है। यहाँ तक पीछे के जो प्लांट थे देखो, ये पहले काफ़ी डार्क थे, अब वहाँ पर भी लाइट आ रहा है, ठीक है, ये ठीक है। बालकनी के प्लांट्स को लाइट मिल रहा है, अच्छी बात है। यहाँ पर प्लांट्स का डिटेलिंग दिख रहा है, यहाँ पर बालकनी प्लांट्स लाइट मिल रहा है, यहाँ पर भी प्लांट्स को लाइट मिल रहा है। तो ओवरऑल देखा जाए तो लाइटिंग काफ़ी अच्छा आ चुका है, फायर रेंडर के जा सकते हैं। कुछ एक दो लाइट्स हैं जैसे आइस लाइट मैंने बोला था, हमें उनको टिप्स एंड ट्रिक्स इसको थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा हमें, बाकी सब लाइट्स हो चुका है। तो फाइनल रेंडर टेस्ट करके हम लोग फाइनल रेंडर के लिए जा सकेंगे, क्योंकि हम लोग ना क्या करते हैं एक फाइनल रेंडर यहाँ पर ले ही लेते हैं आइस लाइट के, इसके बाद देखते हैं, ठीक है। छोटा सा एरिया मैं ले रहा हूँ, सिर्फ आइस लाइट को चेक करूंगा मैं, उसके बाद फाइनल रेंडर लगा दूंगा मैं। वीडियो को पॉज कर लेता हूँ। ओके कंटिन्यू करेंगे, आप देखोगे राइस लाइक ही कह रहा है यहाँ पर, ठीक है।
क्वालिटी वगैरह सब कुछ ठीक आ रही है, मुझे लगा था कि चेक करना होगा, बट ठीक है आई स्लाइड भी ठीक आ रही है। तो हम लोग फाइनल रेंडर के लिए जा सकते हैं फ्रेंड्स। ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये आपका रिजल्ट है फाइनल रेंडर के बाद में, फाइनल रेंडर एंड कलर करेक्शन के बाद में ये आपका रिजल्ट आएगा ऐसा कुछ। थैंक यू।